तो हेलो गाइस, कैसे आप सब हो? बहुत बढ़िया होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज बाहर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी और हमारा मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का। तो गाइस, ऐसे ही सर्दियों में पकौड़े और चाय से बेस्ट ऑप्शन तो क्या ही हो सकता है। तो हमने सोचा क्यों ना पकौड़े और चाय बनाते बनाते एक छोटा सा व्लॉग अपडेट हो जाए, आप लोग भी एंटरटेन हो जाएंगे और हमारी भूख भी मिट जाएगी। तो गाइस, बने रहिए हमारे इस वीडियो में और चलिए आपको दिखाते हैं कि हिमाचली रसोई में किस तरह से पकवान रेडी होते हैं। गाइस, कृति दीदी ने यहाँ पे तेल गरम कर दिया है और ये कर रहे हैं यहाँ पे कटिंग आलू की। कृति दीदी हाय तो बोल दो। और ये हमारी शीतल जी भी है और ये हमारी बुआ नानी जी है यहाँ पे, ये हमारी दादी। हेलो कर लो। हेलो, बाय बाय। आप भी करो दादी हेलो। हेलो। अब यहाँ पे कृतु दी हमारा बैटर रेडी करते हुए, इसमें कृतु दी ने मसाले तो डाल दिए, बस बेसन रह गया है। क्यों कृतु दी? जी हाँ, इसमें हमने डाला है हल्दी, नमक, मिर्च। अब इसमें बेसन आएगा, फिर चेक करेंगे कि हमारे मसाले ठीक पड़े हैं या नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसन की कमी पड़ गई है, तो मैं जा रही हूँ बेसन लेने के लिए, क्योंकि बेसन लाना पड़ेगा शॉप से। अच्छा, आपने ड्रेसअप क्या किया है शीतल, बताइए हमें पहले। यहाँ देखो क्या, बताइए बोलते क्या है? झूड़ा, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं झूड़ा, बाकी आई डोंट नो क्या बोलते। अच्छा ठीक है, जाइए। तो जब तक ये लोग बैटर रेडी कर रहे थे, मैंने यहाँ पे चाय के मसाले के लिए इलायची वगैरह कूट के रख दी थी और यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो गया है और शित्तू भी बेसन लेके आ गई है। तो बैटर ऑलमोस्ट रेडी है हमारा, रेडी है ना तुम्हें? तो चलिए अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ पकौड़े मेकिंग। फाइनली यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं हमारे पकौड़े और सर्व भी हो चुके हैं। ये हमारे शेफ थे और ये हम चेस। नानी कैसे लगे? बढ़िया। दादी बढ़िया है? चाय कैसी है? धन्यवाद। ਚਿਸ਼ੋਰੇ ਬਨੇ ਆਇਲੇ ਬਟੋ ਦਾ ਨੇੜੇ ਰਹੂਲਾ ਲੱਗਿੰ ਜੋ ਪਕੌੜਾ ਗਾਉਗੇ ਕੁਛ ਆਗੂਏ ਆਉਂਦੇ ਲਾਈ ਡੋਲਕੀ ਪਾਛੂਏ ਆਉਂਦੇ ਚਾਵਲਾ ਬੋਤਲੇ ਆਣੀ ਕੀ ਦੂਏ ਰੇੜੇ ਲਾਗੇ ਬਾਵਲਾ मुझे रुला कर दिल उसका भी रोया होगा, चेहरा आंसुओं से उसने भी खोया होगा। अगर ना हुआ कुछ प्यार में हमें हासिल, तो कुछ तो उसने भी खोया होगा। वाह 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 वाह।
नानी क्या कहना है आपका इसके इसके जवाब में कुछ तो देना पड़ेगा अब आपको भी। अरे मैं क्या दूं अभी इतना बूढ़े आदमी, कुछ तो बोलना पड़ेगा नानी। एक शायरी आपकी ओर से। मैं जाली जंगल को रास्ते में मिला कर गोश, जब आपकी याद आई मैं हो गई भी हो। जिसने हमको चाहा उसे हम चाह न सके, वाह वाह, जिसको हमने चाहा उसे हम चाह न सके, जिसे हमने चाहा उसे हम पा न सके, जिसको हमने चाहा उसे हम पा न सके। यूं समझ लो दिल टूटने का खेल है, समझ लो समझ लो, किसी का तोड़ा अपना बचा न सके। वाह 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 वाह, ईशान ईशान ईशान, माइक ड्रॉप माइक ड्रॉप। बाग नहीं बगीचा नहीं बाड़ क्यों लगाया, बिन भाव की दोस्ती लगी कलेजा क्यों खाया। काश के दिल बनाने वाले ने दिल कांच का बनाया होता, कम से कम दिल तोड़ने वाले के हाथ पर एक निशान तो आया होता। आया होता आया होता आया होता। नानी अब आपकी टर्न, आप हाथ रहे हैं हाथ जा रहे हैं। अरे नाने का मैं रहूंगी पसंद। हारे आप टीम कृतु विंस वो मुंह दे रहा और शान मान जा। ओहो बोलो बोलो। शीशी भरी शराब की पत्थर पर फोड़ दूं, तेरी मेरी दोस्ती लगी लिखना पढ़ना छोड़ दूं। वाह 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 वाह, शहरी में आशिक बर्बाद है, बच्चे बर्बाद है, पढ़े लिखे और ये है जेंजी वाली शायरी गाइस। बाग में फूल फूला बीच में फूली कमलाई, कलेजा दिया काट के फिर मुनी शर्म आई। वाह वाह, ये अपने टाइम के जेंजी थे गाइस। हमने खा लिए बहुत पकोड़े, हम खुद ही बन गए पकोड़े जैसे। अब हम जाएंगे बाहर को डाइजेस्ट करने, हम भी जाएंगे जेंजी को वॉक पे। चलो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं बर्फ पे वॉक कैसे करते हैं। जब हम वॉक करते हैं फिर हम टॉक नहीं करते हैं। फॉलोअर्स धन्यवाद यार, बहुत पुण्य कमाएंगे यार, भगवान आपकी उम्र लंबी दे लंबी दे। देख दादी ने भी बोल दिया। चलिए फिर हम जिंजर को ले जाते हैं अब। जिंजर कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जाना है आपने? स्पीक इजी इजी इजी। चलो चलो चलो, वॉक पे जाएंगे हम तो वॉक। दौड़ दौड़। अरे मेरे को शूज पहने दो। गाइस मेरा वेट कर लो यार, मैं भी हूँ। तो गाइस आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा बना हुआ है। इवनिंग स्काई यार, बागी और बर्फ पे ग्लाइड करते हुए बाघिन। इस पे तो जिंजर भी हंस गया, बोले क्या बोल रहे। तो गाइज ये हमारे चाचू का घर है और ये लक्की भैया का घर है सामने। और जिंजर इतना एक्साइटेड हुआ है कि ये बोल रहा है मुझे खुला छोड़ दो। हमने वॉक और हो गई है शाम। शाम के साथ साथ आप देख सकते हैं इतनी प्यारी धुंध यहाँ पर
आ रही है, पड़ चुकी है और हम अपना व्लॉग भी यहीं ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, सुबह खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।